नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बॉलीवुड के किंग खान बादशाह शाहरुख खान के बारे में कुछ अज्ञात बातें। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य अभियंता के रूप में काम किया था। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। खान की मां लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। खान नई दिल्ली के राजेंद्र नगर पड़ोस में पले बड़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरा सहित कई व्यावसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में करियर बनाने के इच्छुक थे, हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वह अब और नहीं खेल सकते थे। इसके बजाय अपनी युवावस्था में उन्होंने मंचीय नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्तों और अभिनय भागीदारों में से एक अमृता सिंह थी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बनी। खान ने अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज में चंद 1985 को दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में बिताया, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन की सलाह के तहत अभिनय का अध्ययन किया। हंसराज के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई और उनकी मां की मृत्यु 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से हुई। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज लालारुख एक उदास अवस्था में आ गईं और खान ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। शहनाज अभी भी अपने भाई और उसके परिवार के साथ मुंबई की हवेली में रहती है। शाहरुख खान ने साल 1991 के 25 अक्टूबर को पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में एक पंजाबी हिंदू लड़की गौरी चिब्बर से शादी की। 1997 को उनका एक बेटा आर्यन और साल 2000 को एक बेटी सुहाना के जन्म हुआ। 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने, अब्राम नाम का एक बेटा जो एक किराए की मां के माध्यम से पैदा हुआ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपके लिए लेके आएंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में अनसुने कही बातें। जाने से पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। धन्यवाद।